हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन एट में। एंड आज हम लोग आए हैं इंदिरा नगर नासिक साइड पर, जहां पर 2 BHK फ्लैट को हमने पूरा 1 BHK फुल फर्निश किया है। तो आज जो हम टूर कर रहे हैं, यहां पे पूरा फर्नीचर ऑलमोस्ट रेडी है, जहां पर मैं वीडियो के एंड में इसका प्रॉपर कॉस्ट एंड मटेरियल पूरी डिटेल्स भी आपको ऑन द स्पॉट क्लियर करने वाली हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे हर आने वाले एपिसोड्स आपको टाइम पर मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो राइट नाउ अभी हम लिविंग रूम में हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ सरप्राइज है जो कि शेयर करने वाली हूँ। लिविंग रूम में आप जो देख रहे हैं, ये पूरा कलरफुल हम लोगों ने एक टीवी यूनिट लिया है। इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम कैमरे में भी इसको ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। पूरा सीलिंग टच है ये, और हमने एक पूरी वॉल को कवर किया हुआ है। मैं अगर आपको साइज बताऊँ तो लगभग ये 12 फीट का पूरा टीवी यूनिट है चौड़ाई में, और हाइट में अगर देखा जाए तो लगभग 11 फीट का ये पूरा सीलिंग को टच किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन हमारे बहुत ज़्यादा क्लियर थे, कि हमने इसमें 3 कलर पैलेट थे। वो कलर पैलेट भी मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर रही हूँ, फोटोज़ में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्पेशल वाला एलिमेंट था, वाइट वाला, जो कि विथ स्पार्कल वाला है, और हमारा बैक साइड विथ मार्बल वाला, वो हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट रहा है, एंड विथ एक्रेलिक। ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ हमने प्लस 3 कलर के कॉम्बिनेशन अलग से किए हैं, क्योंकि जो लूअर्स के अंदर अगर आप इसको क्लोजअप में देखोगे तो जो लूअर्स की फिनिशिंग है, एक्चुअल में हमने इसे फैक्ट्री मेड किया हुआ है, कि एक्चुअल में जो इसका फिनिशिंग है बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही स्मूथ है। और इसके ऊपर हमने टेक्सचर वाला ब्लू लैमिनेट लिया है, उसी के साथ प्लेन वाला ब्लू लैमिनेट हमने नीचे पूरा स्टोरेज वाले एरिया में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप इसे देखोगे तो जो इसका कलर पैलेट था और जो इसको बनाने का थीम था हमारा, वो बहुत ज़्यादा क्लियर था, क्योंकि सबसे पहले हमने इसका पूरा 3D प्लान डिसाइड किया हुआ था, देन इसका इनसाइड व्यू भी हमने क्लियर किया था। क्लाइंट का मेन पर्पज़ था कि ये एक तरफा एक स्टोरेज यूनिट भी होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस थे कि वो अपना जितना भी स्टोरेज है वो इधर हाइड करना चाह रहे थे। तो घर के अकॉर्डिंग हमने इसको मोस्ट ऑफ 2 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रेडी किया हुआ है, कि आप देखोगे बहुत सारा स्टोरेज आप हाइड कर सकते हो, जो पूरा इस ड्रावर सिस्टम में, जैसे मैं ये बता दूँ, इस तरह के ड्रावर सिस्टम में आप बहुत सारा स्टोरेज हाइड कर सकते हो। देन इस साइड पे 4 ड्रावर्स आ गए आपको मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम अपने पूरा टीवी यूनिट, सेट बॉक्स, वो सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएगी। देन यहाँ पर अगर आपको कुछ आपके आर्टिफैक्ट्स हाईलाइट करने हैं, तो इस हिसाब से जस्ट इसके अंदर एक लाइट भी ऐड कर दी, ताकि आप अंदर कोई भी आर्टिफैक्ट्स रखो बहुत अच्छे से हाईलाइट होगे। और जस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ हमने शटर्स दे दिए, और यहाँ पर हमने मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको हाइट रखना है, आप पूरा हाइट रख के, और यहाँ पर हमने एक ड्रावर सिस्टम दे दिया विथ लॉक के साथ, कि कुछ आपकी एक्सपेंसिव चीज़ है या फिर कुछ आपको अमाउंट है जो लॉक करनी है, तो आपको बेडरूम में ना जाते हुए जस्ट आप लिविंग से इसको ईजिली कैरी करो। तो ऐसे हमने एक लॉक वाला ड्रावर दे दिया यहाँ पर कबर्ड के अंदर। ऊपर साइड पे एक जस्ट ओपन बॉक्स करके हमने डाल दिया है, तो वहाँ पे आप कोई मटेरियल है जो आपको बहुत रेयर लगने वाला है, तो वो मटेरियल भी आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर सेम 2 शटर के साथ स्टोरेज के अकॉर्डिंग नीचे से हमने इसको स्टड दे दिए, ताकि आपका जो क्लीनिंग का पर्पज रहेगा, क्योंकि लगभग ये पूरा 12 फीट का था, तो हमने सोचा इसको नीचे फिक्स ना करते हुए जैसे स्टड दे देंगे तो इजीली आप पूरा 12 फीट का एरिया कम्प्लीटली क्लीन कर पाओगे। ऊपर एक शेल्फ ऐड करवा दिया, और उसमें 3 स्पॉटलाइट ऐड कर दी, ताकि कॉम्बिनेशन और पूरा बैलेंस टीवी यूनिट का प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। ये कॉर्नर वाला स्पेस था, तो यहाँ पर हमने जो ऊपर का टॉप था उसको राउंड कर दिया, ताकि कंफर्टेबली कोई भी यहाँ से इजीली एक्सेस कर सके इस पूरे पैसेज को। और कहीं घर में फंक्शंस है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये कॉर्नर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अगर आपके घर में भी वर्किंग चल रहा है, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। प्लस पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पर जो लोअर्स बनाए हैं, लोअर्स के ऊपर ही हमने नीचेस ऐड कर दिए, और नीचेस के अंदर हमने लाइट पॉइंट ऐड कर दी। तो ये कॉम्बिनेशन और ये जो बैलेंस क्रिएट हुआ है इस पूरे यूनिट डिज़ाइन में, बहुत ही यूनिक है। जितना मैं इसके बारे में कहूँ उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा है। अगर आप इसको लाइव विजिट करना चाहते हो तो आप लाइव विजिट भी कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। इसी के साथ जैसे ही हम लिविंग से अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा किचन आ जाता है। यहाँ पे एक बेडरूम है जिसको हमने अरेंज नहीं किया है।
ऊपर यहाँ पे कोई एरिया नहीं था, पूरा ब्लैंक स्पेस था, तो हमने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर दिया इन्वर्टर के लिए और दो शटर दे दिए ताकि इजीली कोई भी आता है तो इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकता है। ये वाला पैसेज पूरा क्लियर था, तो यहाँ पे जस्ट एक पेंट्री यूनिट, स्टोरेज टाइप यूनिट हमने पूरा रेडी कर दिया विद बॉक्स के साथ। इसका डीप लगभग 14 इंच का है, तो यहाँ पे मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग हमने पूरे पैक शटर्स दे दिए ताकि बहुत सारा मटेरियल आपस में स्टोर कर सकते हो। और इसके अंदर के शेल्फ्स हमने मूवेबल दे दिए ताकि कोई बड़ा मटेरियल भी आपको स्टोर करना है तो आप शेल्फ को रिमूव करके यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हो। इस तरह से सारे शटर्स को मैंने डिवाइड कर दिया। मैं चाहूँ तो पूरा एक सिंगल शटर दे सकती थी, बट आपको पता है वेदर जैसे ही चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सारे शटर्स इतने बड़े बड़े दे देते हैं तो ये फोल्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, कितना भी करो वेदर के अकॉर्डिंग ये होता है। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि जितनी नेसेसरी जरूरत रहेगी उतना ही स्टोरेज कबर्ट हम ओपन करेंगे। बार बार अगर बड़ा शटर आप एक्सेस करते हो, जैसे आपने पैंट्री यूनिट का भी देखा होगा, तो उसमें बहुत जल्दी मेंटेनेंस आ जाता है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है कि हम उसको जितने पार्ट में एक्सेस करना चाहते हो उतने पार्ट में आप उसको कट कर दीजिए। यहाँ पर एक पर्पस था कि हम एक स्टोरेज बॉक्स क्रिएट करें, लाइक जैसे आप मोस्टली हमारा देखते हो कि मैं 6 शटर में डिवाइड कर देते हैं या फिर हम उसे 12 शटर में डिवाइड करते हैं, बट इस वाले प्रोजेक्ट में हमने कुछ यूनिक किया कि पूरा वार्डरोब लुक वाइज कर दिया कि अगर आप इसको अंदर से विजिट करोगे तो पूरे जितने भी हमारे डिब्बे वगैरह रहेंगे उस अकॉर्डिंग पूरा इसको स्टोर कर दिया गया है और इसको एक स्लाइडिंग शटर्स दे दिए गए दोनों तरफ से। और नीचे हमने मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग जस्ट ड्रावर दे दिए, वो भी व्हील के ऊपर, ताकि अगर आपको नीचे से पूरा क्लियर करना है तो आप सारे ड्रावर रिमूव करके पूरा नीचे का क्लीन भी कर सकते हो। तो मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग नीचे 3 ड्रावर्स हो गए जिसको रिमूव करके आप नीचे का पूरा पैसेज क्लीन कर सकते हो। अब आपको कुछ क्रॉकरीज वगैरह है जो कि ऑर्गेनाइज करनी है, तो यहाँ पर कुछ पैंट्री यूनिट टाइप हमने 3 शटर्स में डिवाइड करके कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया। जो क्रॉकरीज आपको हाईलाइट्स करनी है वो इजिली आप पूरे यहाँ पे हाईलाइट्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम फंडा कि हमने सारे शेल्फ मूवेबल दे दिए हैं, आप इन्हें रिमूव करके कोई बड़ा मटेरियल स्टोर करना है इजिली स्टोर कर सकते हैं। ये पूरा एक थीम एंड कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया हमारा। 3D इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पर हम कड़प्पा रैक जैसा यूनिट तैयार करें या फिर कुछ यूनिक मटेरियल के थ्रू हम कुछ रेडी करें, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये पूरा पैसेज क्लियर कर दिया। इसकी डीप अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो लगभग 20 इंच के डीप में हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया। किचन हमारा एग्जैक्टली किचन पूरा एल शेप में है और स्टोरेज यूनिट के सामने ही है, तो जितना नेसेसरी था हमने 5 बास्केट्स ले ली और बाकी के सारे प्लेन शटर्स दे दिए। इस तरह से सारे प्लेन शटर्स है क्योंकि ये सिर्फ शटर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे भी शटर वाला एरिया हो गया और जस्ट 5 बास्केट्स आ गए। बास्केट्स वही हमारे रेगुलर सारे मूवेबल बास्केट्स, इसलिए आप निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हमारा एक्चुअल में सर्विस काउंटर है क्योंकि इसकी डीप लगभग सिर्फ 13 इंच की है, तो यहाँ पे आप अपने सारे अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं लाइक मिक्सर जूसर उस अकॉर्डिंग, इसलिए इसका डीप इतना ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम चाह कर भी बास्केट नहीं ले सकते क्योंकि 13 इंच के अंदर कोई बास्केट नहीं बैठती है, तो जस्ट एक प्लेन शटर ताकि आप वहाँ पे कोई डिब्बे वगैरह रख के प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सके। इस वाले एरिए पे हमने पूरा हमारा स्पेशल वाला व्हाइट लैमेट एंड डार्क वाले का कॉम्बिनेशन करके कुछ इस तरह का यहाँ पे एक नीच क्रिएट किया है जहाँ पर हम डेली यूज होने वाले लाइक हमारा अचार सोडा ऑयल की बॉटल्स जो हम मोस्टली ट्रॉली में नहीं रखते वो वाली चीज़ें हम यहाँ से इजीली एक्सेस करेंगे। और जैसे बार बार लाइक कुछ सॉसेस वगैरह है जो हमें दिन भर में बार बार यूज होते हैं मटेरियल, वो चीज़ के लिए हम प्रॉपर तरीके से इस तरह का नीच बना सकते हैं। लगभग ये 8 इंच का है। यहाँ पर ऊपर हमने फिर से कैबिनेट दे दिया, कैबिनेट भी विद ग्लास के अकॉर्डिंग है ताकि अगर आपको कोई क्रॉकरीज हाईलाइट करनी है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ अच्छी अच्छी मसाले की बर्निया है जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसे हमने अपने रेगुलर बेसिस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हाइट पर लिया है क्योंकि एक क्लाइंट की नीड थी। अब अगर हम ऊपर का एरिया देखेंगे तो ऊपर हमने पूरा सी शेप में पूरा लॉफ्ट क्रिएट किया है विद बॉक्स के साथ, और सारे बॉक्सेस को हमने हैंडल्स दे दिए क्योंकि हैंडल्स हमें नेसेसरी था क्योंकि मोस्ट ऑफ कुछ ऐसे ऐसी प्लेस थी जहां पर हैंडल लेस किया जा रहा था, लेकिन हमने सोचा कि अगर कॉम्बिनेशन और पूरा बैलेंस एक तरफा क्रिएट करना है तो सब पर हैंडल्स हमने लगा दिए। यहां का एक्चुअल में ऊपर का कलर कॉम्बिनेशन हमने अल्टरनेट वगैरह से लिया है क्योंकि क्लाइंट की उतनी नेसेसरी चॉइस थी। एक पॉइंट और शेयर करना चाहूँगी, किचन का पूरा टूर होने के बाद एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक्चुअल में पूरा लाइट का कनेक्शन आया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट
कर लिया जिसकी लगभग डीप 6 इंच की है। ये वॉल से 6 इंच बाहर आया है और उस पर हमने एक शटर एक्सेस कर दिया ताकि उसके अंदर जब भी कोई मेंटेनेंस आएगा या फिर कुछ एक्सेसरीज रहेगी एक्सेस करना रहेगा तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और जस्ट एक सिंगल शटर पे उसको एक्टिवेट किया गया है, हम इसे रिमूव भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही इसे फ्लैट के बाहर कर पा रहे थे, तो ऐसे वाले स्पेस पे हमने डायरेक्टली वाइट करते हुए पूरा ब्लेंड कर दिया ताकि वो वॉल के ऊपर है भी तो पता ना चले। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट कर लिया। उसी के बाद जैसे इस किचन से हम टूर करते हैं तो किचन को अटैच एक बेडरूम है जहाँ पर हमने बहुत ही यूनिक तरीके से एक वार्डरोब का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ये वार्डरोब का कॉम्बिनेशन भी सेम वही कलर पैलेट है जो किचन में कलर पैलेट है। तो यहाँ पर हमने वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया, 6x7 फीट का है वार्डरोब। यहाँ पर भी सेम था कि लाइट पॉइंट का बोर्ड हमने अंदर से कनेक्ट करते हुए दिया है और वो ईजिली यहाँ से एक्सेस हो रहा है इस वाले पॉइंट से। तो अगर आप बेडरूम में जब भी इन करोगे तो आप ईजिली यहाँ से जस्ट एक क्लिक पे एक्सेस कर सकते हो पूरे बेडरूम की लाइट। यहाँ पर 2 ड्रावर, लेडीज कंपार्टमेंट और यहाँ पे एक शेल्फ हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अगर आपके हैंगिंग क्लोथ जिस दिन नहीं रहेंगे तो वहां पर आप फोल्डेबल क्लोथ एडजस्ट कर सकते हो। और ये सारे मूवेबल्स देते हैं ताकि अगर आपको कंफर्टेबली एक्सेस करना है तो आप रिमूव करके इसे बड़े स्टोरेज के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेम किया है कि पूरा एक जेंट सेक्शन देन यहाँ पर शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये हमारे स्लाइडिंग के सॉफ्ट क्लोज शटर, जो हार्डवेयर का थीम था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था कि हम पूरे सिल्वर कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे हमने जितने भी हार्डवेयर चॉइस किए हैं पूरे सिल्वर कॉम्बिनेशन में किए हैं। नीचे 2 व्हील वाले ड्रावर्स दे दिए कि जो बार बार यूज होने वाले क्लोथ है वो नीचे ड्रावर में रखेंगे ताकि बार बार हमें कबर्ड ना ओपन करनी पड़े, तो उसके लिए आप इस तरह के ड्रावर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने पूरा एक लॉफ्ट क्रिएट कर दिया, लॉफ्ट बना हुआ नहीं था, हमने पूरा इसके ऊपर बनाया विद बॉक्स के साथ एंड पूरे डार्क शटर्स दे दिए ताकि ये कलर और ये जो बैलेंस था हमारा डिज़ाइन का वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो फाइनली ये था हमारा 2 BHK के अंदर 1 BHK का फर्निश का टूर। और इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर मैं कॉस्ट बताऊँ तो 480,000 में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। आपको पता है ये कस्टमाइज चीज़ है, जिस हिसाब से आप मटेरियल और इसकी साइजेस चॉइस करते हो उस अकॉर्डिंग इसका पूरा अमाउंट डिसाइड किया जाता है। तो राइट नाउ अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट का इसी तरह से अपने घर का पूरा फर्निश प्लान करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले 3D प्लान डिसाइड कीजिए जिसमें आपको पूरा मटेरियल, कलर कॉम्बिनेशन, साइजेस और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और अगर आप मेकिंग करना चाह रहे हो तो मैं जो कह रही थी कि वो हमारा सरप्राइज, वो सरप्राइज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सरप्राइज ये है कि आपको जस्ट मैं आज के वीडियो के लिए जो नए 10 मेंबर्स रहेंगे उनके लिए फ्री 3D डिजाइन रहेगी। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना रहेगा कि आपको वीडियो के कमेंट में ये लिखना रहेगा आई एम इंटरेस्टेड और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है जिससे आपको आपके किचन का 3D प्लान फ्री में दिया जाएगा। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स रहे जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और रुकिए रुकिए, और आज मुझे स्पेशली इस वीडियो के कमेंट में ये भी बताना कि आज पूरे टूर में से आपको कौन सा एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।